कुछ भी कर ले नीतीश जी, जनता ने जब मूड बना लिया कि आप जहां बैठे हो आपको उतारना है, तो चाहे ब्रह्मांड की भी शक्तियां लगा दे नीतीश कुमार जी बेईमानी में। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हूं और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर और चुनाव में धांधली को लेकर। सुनेंगे अभी इस वीडियो में कि वो क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम 10 मिनट में। कई बिहार सरकार के पोल खोली है, साथ ही बिहार सरकार के गिरने की आशंकाएं भी तेज हो गई थी, उसको लेकर भी जवाब दिए हैं तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं। सुनिए इस वीडियो में। हमारे पत्रकार मित्र, आज फिर से आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिला है और दो जगह उपचुनाव चल रहा है, तारापुर कोशेश्वर स्थान। हर एक कोशिश सरकार में बैठे हुए चोर दरवाजे के चोर मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से चुनाव को भ्रमित किया जाए, जनता में डर पैदा किया जाए। हम लोगों ने कल भी कहा था कि सरकार ने सारा प्रयास किया चुनाव जीतने के लिए, धन बल सब लगा दिया, शराब हो, साड़ी हो, पैसे हो, इनके मंत्री जो हैं किस प्रकार से डीलर को धमकवाया जा रहा है अधिकारी द्वारा, ये सारी बातें हमने बताई। ये सब करने के बावजूद भी जो आज हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है कि दोनों जगह से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जीत ही नहीं रहे, लेकिन जो जीत का अंतर है वो काफ़ी बड़ा होगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों को हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का वोट मिल रहा है और मौजूदा सरकार से जो जनता जो है इतनी आक्रोश में है कि कहा नहीं जा सकता। सब लोग लालटेन पर मतदान कर रहे हैं और छोटी मोटी जो शिकायतें आ रही हैं इसके लिए हम लोगों ने वॉर रूम भी बनाया था जहां से सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है, सूचनाएं मिल रही हैं। कल भी हम लोगों ने कई वीडियोस जो हैं, ऑडियो जो हैं सार्वजनिक किया था और कोई और कंप्लेन हम लोगों को आ रहा है, छोटी मोटी शिकायतें आ रही हैं, वो हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन के टच में हैं। उनको हम लोग संबंधित बूथ हो जहां प्रॉब्लम पाए जा रहे हैं, चाहे ईवीएम में हो या जहां कोशिश कराई जा रही है धीमे वोटिंग कराई जाए, कहीं कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं बैठ जा रहे हैं वर्करों के घर पे, ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं। तो ये ऐसी जितनी शिकायतें हैं छोटी मोटी हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम सब लोग निश्चिंत हैं, कोई कसर नीतीश जी ने छोड़ा नहीं चुनाव जीतने के लिए। पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने, फिर भी नतीजा जो रहेगा उनके लिए, चोर दरवाजे की सरकार के लिए निराशाजनक रहेगी। काउंटिंग तक अभी भी हमारे लोग, सब लोग जो हैं एक एक चीज़ों को देख रहे हैं, बक्सा सील होगा, रखा जाएगा, और जब काउंटिंग की प्रक्रिया भी होगी तब भी हमारी नज़र हर एक लोगों पर होगी। और सुबह से हम लोग लगातार फॉलोअप ले रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने वॉर रूम भी बनाया जहां से हम लोग मॉनिटर कर सकें। नंबर जो है वो भी सार्वजनिक लोगों को हम लोगों ने किया था कि कोई दिक्कत आए, कोई तकलीफ आए, कोई अगर धांधली करता हुआ नज़र आए तो इस नंबर पर सूचित कीजिए। तो लगातार जो है हम लोग संपर्क में हैं और इसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं, हमारी जीत तय है। अब आप देखिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाएंगे, अभी चेतन हमारे साथ हैं,
इनके पिता को लेकर के नीतीश जी ने क्या कहा था ये मिलर हाई स्कूल में, कि हमारे साथी रहे, हमारे मित्र हैं, जितना चिंता आपको है उससे ज़्यादा चिंता हमको है और इनके लिए हर एक संभव प्रयास वो कर रहे हैं। ये नीतीश जी की बोली है। अब सरकार उनका, प्रशासन उनका, जेल प्रशासन उनका, पुलिस उनके, हेलमेट हेलमेट पहन के 30-40 की संख्या में लोग घुस करके जो है उनको तंग करते हैं रेड का बहाने, फ्रॉड एक रेड मारा जाता है। क्योंकि लगातार, क्योंकि हमारे पार्टी के विधायक है, शिवहर से जीते हैं, लवली आनंद जी भी हमारी पार्टी की नेत्री हैं, वो भी लगातार चुनाव प्रचार में हैं, उनको डर था कि इन लोगों के जाने से चुनाव में मतदाता जो हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आकर्षण जिनका हो रहा है, कहीं उनके लिए मुसीबत ना बन जाए, इसलिए डराने धमकाने का काम लगातार नीतीश जी और उनके मंत्री और उनके सरकारी कुछ चंद अधिकारी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये लेसी सिंह जो हैं मीटिंग कर रही हैं डीलरों का, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने जारी किया है भाई, अधिकारी फ़ोन करके बोल रहा क्यों जा रहे हो क्या है, जहाँ डीलर कह रहे कि भाई आप इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन निकलवा दीजिए कि हम किसी चुनाव के प्रचार में नहीं जा सकते। अब देखिएगा चुनाव के बाद इन लोगों का काम है विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स, बदला लेंगे, झूठे मुकदमे करेंगे, लाइसेंस रद्द करेंगे, यही काम है। लेकिन अब कुछ भी कर ले नीतीश जी, जनता ने जब मूड बना लिया कि आप जहां बैठे हो आपको उतारना है, तो चाहे ब्रह्मांड की भी शक्तियां लगा दें नीतीश कुमार जी बेईमानी में अपने कुर्सी को बचाने में, जनता की ताकत को पछाड़ नहीं सकते, हरा नहीं सकते और जनता को तोड़ नहीं सकते। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत जो है होने जा रही है। पूर्व में भी कहा मामूली जीत नहीं, बड़े अंतर से जीत होगी, हम लोग निश्चिंत हैं। तो इसी का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई, आज उन्होंने कहा कि हम इसको कुछ नहीं बात करेंगे, 2 तारीख का इंतजार कीजिए आप। अरे भाई कभी बात किए हैं, जब भी गड़बड़ाते हैं तो आगे ना भाग जाते हैं। जब हम पहली बार नेता विरोधी दल बने थे, मेरा पहला भाषण आप लोगों ने भी सुना होगा, नीतीश जी ने बोला हम आगे बताएंगे आगे बताएंगे, 10 मिनट में अपना भाषण खत्म कर दिया। आप तक बता ही रहे हैं, क्या बताएंगे भाई, बोलने के लिए क्या है। बेईमानी से जीते थे नीतीश कुमार जी, तो 4 दिन तक बाहर नहीं निकले। अरे जीता आदमी तो ऐसे ही निकलता है, मीडिया से बात किया, लोगों से मिला, बधाइयाँ ले पाया। नीतीश जी दिखे थे क्या 2020 के नवंबर में, 10 नवंबर के बाद से कितने दिन गायब थे? सरकार को खतरा लग रहा है क्या उनको? अब तो आपका दावा कर रहे हैं कि सरकार बन जाएगी, तो क्या लगता है लोग डर रहे हैं इस नतीजे के बाद? सरकार पर उनको खतरा महसूस हो रहा है? उनको सरकार गिरे ना गिरे वो तो जान ही रहे, कितना दिन रहेंगे भाई। उन्होंने तो पिछले ही चुनाव में ना अपने रिटायरमेंट का कह दिया, अब मेरा आखिरी चुनावी जनसभा है, तो भावनात्मक शोषण करते ही रहते हैं। सरकार जाने ना जाने की बात नहीं, उन नीतीश जी को इतिहास में कोई याद नहीं करेगा, विलुप्त हो जाएंगे। जो आज उनके आसपास जो उनको दिखाने के लिए हनुमान भी बने हैं, वो भी कहाँ जाएंगे जब सत्ता से नीतीश कुमार जी हटेंगे? कोई पूछेगा जी? कोई नहीं पूछने वाला, कोई याद नहीं करेगा। चुनाव के बाद महागठबंधन में कांग्रेस रहेगी, जिस प्रकार से कांग्रेस का जो बयान आ रहा है उसको देखकर आपकी चिंता जो है हम समझ सकते हैं। बीजेपी को हराना है,
सांप्रदायिक शक्तियों को जो देश के संविधान और लोकतंत्र विरोधी जो सरकार है, गरीब विरोधी जो सरकार है, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी जो सरकार है, हमारा लड़ाई उससे है। जो उससे लड़ेगा हम लोग साथ हैं, इसमें इफ एंड बट की कहां कोई बात। कांग्रेस बयान दे रही है कि हम अपने 19 विधायक को महागठबंधन के समर्थन में नहीं देंगे। हम ये सब बयान देखिए सुनते हैं तो ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, कौन क्या कह रहा है। भाई ऑफिशियली बयान हो, जब इसकी बात होगी तब ना भाई, अभी इसकी तो बात ही नहीं है। अभी तो भाई बात है, बाई इलेक्शन है, वो अलग लड़ रहे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं। हर किसी को अधिकार है लड़ने का, तो हम लोग लड़ रहे हैं और हम तो बता रहे हैं। 2 तारीख का इंतज़ार नहीं, हम तो आज ही बता रहे कि हम जीत रहे हैं। एक सवाल मेरा है सर, ये 2 सीटें अगर आप जीतते हैं तो बिहार की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? चलिए सरकार बनाते हैं नहीं बनाते हैं वो बात की बात होगी, बिहार की राजनीति में कितना असर हो जाएगा? ये लोग आकलन करना, विश्लेषण करना तो आप लोगों का काम है, और हमने तो पहले ही बता ही दिया ना भाई, जब नीतीश कुमार जी को कोई याद नहीं रखेगा, जो उनके साथ हनुमान बन के भी जो घूम रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरे लालू जी की रैली में जो भीड़ थी, इसको लेकर जेडीयू बोल रही है कि लोग हेलीकॉप्टर देखने आए थे। पता नहीं, हमारा हेलीकॉप्टर थोड़ा छोटा था, 4 लोग बैठ के जा सकते थे, मुख्यमंत्री जी वाले में शायद 8 से 12 है। इस स्तर के हिसाब से तो बड़ा हेलीकॉप्टर लोग देखने जाए ना।